हेलो, सत श्री अकाल। बिटर ट्रूथ ऑफ स्पोर्ट्स एथलीट्स स्पेशली। तो नंबर एक, सबसे पहले तो कुछ एथलीट्स बहुत मिडिल क्लास फैमिली से भी डाउन से होते हैं, वो अपने लिए स्पाइक्स या किट या जेवलिन भी बाय नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिकली प्रॉब्लम्स है उनको। आसपास में कहीं ग्राउंड भी उनके नहीं है कि वहां जाके वो ट्रेनिंग कर सकें, ये पहला है। सेकंड, कभी उनको आगे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, आगे कुछ कोच भी एडवाइस नहीं देते, या जो उनके सीनियर्स होते हैं वो भी उनको ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि यंगस्टर है, जैसे उन्होंने खुद सीख रखा है वैसे वो उनको बता देते हैं कि हमने भी बहुत स्ट्रगल करके सीखा था जेवलिन के बारे में या किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप भी ऐसे अपने आप सीखो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है शायद यहाँ पर आप उनको सिखवा दो या आप उनकी हेल्प कर दो ताकि वो आपकी तरह ही टाइम ना लगाएं। अगर आपने 8-10 साल लगाए हैं स्पोर्ट्स के अंदर, एक फेज में आके आपने परफॉर्मेंस दी है, तो वो आपसे अर्ली स्टेज में थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे देंगे तो आपका नुकसान नहीं होने वाला। थर्ड, जब किसी स्पोर्ट्समैन को बात आ जाती है कि पहली बात तो उनको ये लगता है दुनिया को और उनके स्पेशली घर वालों को भी कि स्पोर्ट्समैन क्या कुछ नहीं है, सुबह ग्राउंड जाता है, शाम को ग्राउंड जाता है, उसके बाद सारा दिन सोता है वो। अगर ऐसी बात है तो आप लोग खुद जाके देख लें, आपको भी पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स क्या चीज है। स्पोर्ट्समैन के जब तक मसल्स रिकवर नहीं होते, मसल तब तक रिकवर नहीं होंगे जब तक आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मतलब 12-13 घंटे की नींद नहीं ले लेते एक दिन में, 24 घंटे में स्पेशली। ठीक है, 8 घंटे रात को हो जाती है, 3-4 घंटे दिन में हो जाती है। तो ये चीज बड़ी है। इस चीज को कोई समझ नहीं पाता फिलहाल, उनके पेरेंट्स भी नहीं। जब चौथा, जब वो कोशिश करते हैं कि एक टाइम पे उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत हो जाती है। जरूरत आपको बताऊं तो थोड़े सन 2000 की बात करूं या उससे पहले, उस तब तक कोई रिकवरी ड्रिंक्स नहीं थे या एनर्जी ड्रिंक नहीं थे, तब लोग चीनी खा के या गुड़ खा के ये चीज करके अपनी रिकवरी कैसे ना कैसे करते थे। प्रोटीन्स नहीं होते थे, नॉन वेज ही प्रोटीन समझा जाता था। बट आजकल सोर्सेज हैं, अगर वो एथलीट वो चीज लेने की भी डिमांड करते हैं तो उनको यह समझ लिया जाता है ये इतनी इतनी गोलियां खाता है या डिब्बे खाता रहता है, तो डाइट से भी उनको मिला नहीं कुछ। तो अगर वो उनसे ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, फूड सप्लीमेंट्स की, ना कि स्टेरॉइड की बात कर रहा हूं। उस तरफ चले जाना वो गलत है, बट सप्लीमेंट्स तक रह जाना और उतने खाना जितनी आपको जरूरत है। ये नहीं आपको एक स्पीड की जरूरत है और आप खा रहे हो फैट बढ़ाने वाली, तो वो चीज गलत है। नंबर 5, कुछ एथलीट्स तो बेचारे ऐसे हैं जिनको मैं बोलूं कि मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग में ही थ्रो सेशन कर लेते हैं। आप फील करके देखें, सर्दी है, मॉर्निंग में थ्रो सेशन करना या कुछ और वर्कआउट करना, और इवनिंग के टाइम पे वो अपनी घर के कामों में बिजी हो जाते हैं। जैसे किसी की सब्जी की रेडी है या फ्रूट्स की रेडी है या कोई किसान है खेतों में काम है, तो क्योंकि समझा नहीं जा रहा तो वो एक टाइम बेचारे कैसे ना कैसे करके करते हैं, और वो लोग सेकेंड टाइम अपने घर का काम या घर वालों की हेल्प करते हैं। तो वो लोग तो सप्लीमेंट भी नहीं ले पाते, वो लोग मैक्सिमम उनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत वीडियोस हैं मेरे पास के खेतों में नंगे पांव एक डंडा लेके, एक डंडा जेवलिन नहीं बोलूंगा, डंडा लेके उसको फेंक रहे हैं, और वो उनके अंदर एक आग जरूर है कि वो आगे जाएं और वो भी देश का नाम ऊंचा करें और कहीं ना कहीं से मेडल लेके आए। जैसे एग्जाम्पल नेशनल चैंपियन बने, वो एशियन चैंपियन बने, फिर कॉमनवेल्थ चैंपियन बने, ऐसे उनके दिमाग में भी है क्योंकि उनके ड्रीम्स भी बहुत बड़े हैं। स्पोर्ट्समैन को सबसे पहले तो समझना सीखे, मुझे लगता है कि वो उनको कोई समझ नहीं पाता है। पहले तो स्पोर्ट्समैन बनना ही बड़ी बात है, कोई नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो बिल्कुल ही उसको समझता नहीं है। तो हमें बिटर ट्रूथ की बात कर रहा हूं, उनको बहुत सरवाइव करना पड़ता है बेसिकली छोटे लेवल से ही। कोई गाइड नहीं, कुछ नहीं, बेचारे कहाँ कहाँ से कुछ चीजें प्रोवाइड करके उधार लेके वो करते हैं और बाद में भी उनको समझा नहीं जाता। तो ये वीडियो स्पेशल उन एथलीट्स के लिए थी जो कुछ नहीं कर नहीं पाते हैं चाह के भी, बट वो ऐसा नहीं है वो कर नहीं सकते, बट कोई स्पोर्ट के लिए आगे नहीं आता। कुछ को ग्राउंड ही मिलती नहीं है, कुछ को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते बेचारे। तो प्लीज उनको समझना सीखें और उनकी हेल्प करना सीखें, वो भी अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा कर सकते हैं देश के लिए। थैंक यू। और हाँ, एक चीज और भूल गया था कि
मैं जो कोड यूज करता हूँ जेवलिन के लिए स्पेशली, या कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कपड़े किट स्पाइक्स ये सब, उनसे मुझे कुछ नहीं मिलता है, बट काफी लोगों तक तो स्पाइक्स भी नहीं पहुंच पा रहे। वो ले सकते हैं बट उनके तक पहुंच नहीं रहे हैं, या किट लेना चाहते हैं उनको स्पोर्ट्स की किट ही नहीं मिलती, तो इसलिए वो नंबर कर रहा हूं। अगर हाँ आपके नियर अबाउट कोई आसपास है खिलाड़ी है और अच्छा करना चाहता है, वो किसी भी फील्ड का, मैं नहीं कहता हूँ जेवलिन का ही हो, वो किसी भी एथलेटिक्स में आ जाता है, किसी भी अनदर गेम में आ जाता है, तो आप उनकी हेल्प करें। आप उनको एक शूज प्रोवाइड करवा दोगे तो आपका कुछ नहीं हो जाएगा, और उनको समझना सीखें प्लीज, और वो आगे चल के देश का ही नाम करेगा। और डोंट बी जेलस, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बोलो ये आगे चल के क्या कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता, वो शायद एक दिन बहुत अच्छा करेगा, तो आप लोग उनकी सपोर्ट करें। थैंक यू।